आदरणीय आज की इस गौशाला बचाओ संघर्ष के इस मंच के संचालक और अध्यक्ष जी, बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, मेरी बेटियों, जो सरकार ये नारा देते नहीं थकती थी, बेटी बचाओ गौ माता बचाओ, लेकिन आज उसके विपरीत जहां से इन गौओं को बचाने के लिए कोई एग्रीमेंट सरकार के साथ हुआ था कि ये राखी गौशाला के माध्यम से जाएगी और जो इसका खर्चा होगा वो गौओं को बचाने के लिए, राशन के लिए, पानी के लिए जो व्यवस्था करनी होगी उसके लिए होगा। लेकिन इस सरकार का हर कदम इस देश की जनता के खिलाफ, इस देश में आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, में नमन करना चाहूंगा इस मेरे बड़े गांव को और इस इलाके को। बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ आपके नजदीक लगते पापड़ा गांव है जहां से आदरणीय चौधरी नत्था सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य में होते थे। उनके नीचे रह करके, उनसे शिक्षा लेकर के, उनसे संघर्ष का रास्ता सीखा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज सरकार की नियति में फर्क, क्योंकि आज चाहे कोई भी मसला है, चाहे वो फसलों के मुआवजे की बात है, लंबे संघर्ष के साथ खेड़ी चौपटा में उस आंदोलन को जीतने का काम किया, लेकिन जब पिछला सीजन था जो हमारा गेहूं का, उस समय हमारे साथ जो रासायनिक उर्वरक जिससे हम खेती तैयार करते हैं, खाद है, बीज है, दवाई है या अन्य कोई औजार है, काला बाजारी चली, जोरों से चली। लेकिन आज फिर वही देश के अंदर हालात पैदा कर दिए। किसान पोटास के ऊपर जो रेट बढ़ा दिए, यूरिया के रेट बढ़ा दिए, डीएपी के रेट बढ़ा दिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस सरकार की जो मंशा थी, जो ये काले कानून लेकर के आई थी ताकि इस किसान को, मजदूर को इस जमीन से बेदखल किया जाए और जो पहले बंधुआ मजदूरों की दास प्रथा होती थी, उस दास प्रथा को लागू करने के लिए सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपनाना चाहती थी। लेकिन आपकी मेहनत की बदौलत, आंदोलन की बदौलत सरकार को झुकना पड़ा। आज उसी प्रकार से अगर सीधे तौर से उन कानूनों को लागू सरकार नहीं कर सकी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भी सरकार उन पर कार्य कर रही है। आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, आज चाहे कोई भी बात है, कोई भी मुद्दा है, चाहे वो पानी का है, चाहे वो खेती से जुड़ा हुआ मुद्दा है या कोई सामाजिक मुद्दा है, प्रत्येक मुद्दे पर सरकार पीछे हटने का कार्य कर रही है, ताकि ये इस देश की जनता किस किस जगह किस किस बात के लिए संघर्ष करेगी, ताकि ये मन महसूस करके और अपना मन उतार करके, उदास होकर के बैठ जाए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आजादी की लड़ाई में हमारे बीच में ऐसे भी साथी थे जिनकी आज गणना नहीं होती, लेकिन ऐसे भी साथी थे आजादी की लड़ाई में जो हमारे शहीद फांसी टूटे उनके खिलाफ गवाहियां देने का काम भी किया। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वहां प्रभु दयाल बादड़ी वाले भी थे, जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, उस व्यक्ति ने अंग्रेजी शासन से मुख भरी करके ये कहने का काम किया कि इनके पास रसद है ना, कोई असला है, ये हताश हो चुके हैं, भूखे रह करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके बीच में भी इस किस्म के गद्दार हो सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई को मंजिल तक लेकर के ले जाना और आपको एक विश्वास दिला देना चाहते हैं
भारतीय किसान यूनियन जिला कैथल की हमारी जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और पहले मैं सहन खाप का प्रधान रहा हूँ। दोनों तरफ से, खाप की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ आपका पसीना पड़ेगा वह हम खून देने के लिए तैयार हैं। इस लड़ाई को अधूरे में मत छोड़ देना। आपको अगर आधी रात भी याद करोगे, आधी रात भी आपको यहाँ मिलेंगे। अगर वहां जरूरत पड़ी, वहां भी हम संघर्ष का आगाज करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय मातृशक्ति, जय भाईचारा। और जो संगठन तो मैं आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको पूरा सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। सभा के अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे पूरे इलाके के, पूरे बड़े गांव खेतड़ के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं सभी को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ, पहले भाई गुरनाम जी ने बता भी दिया सारा कुछ, हमारी तरफ से एक इंच भी पीछे हटने की आपने आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके आगे खड़े होंगे। आपने बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह की भी हमारी मदद चाहे, आप जो भी आप आदेश देंगे हम आपके आदेश पर खरा उतरेंगे। और इस गूंगी बहरी सरकार को, ये सरकार नहीं है, हम इसको सरकार नहीं मानते, ये सरकार नहीं, ये व्यापारी लोग हैं, ये अपना व्यापार करने आए हैं और अपना व्यापार करके चले जाएंगे। इन्हें सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, ये सरकार तो है ही नहीं। बिजली कनेक्शन देती है तब कहती है मोटर ये लेनी पड़ेगी, ये तो व्यापार करते हैं। तो इन व्यापारियों से हमने अच्छी तरह डट के लड़ना है, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गौशाला को बचाने के लिए संयोजक जितने भी मंच पे विराजमान हैं, मेरे पिता तुला बुजुर्गो, मेरी माता शक्ति, प्यारों बच्चों, मैं सभी को जिनकी गहराइयों से नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ। जैसा कि सभी ने पता है कि सरकार ने एक नारा दिया था, गायें बचाए बेटी बचाए, उन दोनों को अब इन्होंने खत्म कर दिया है। क्योंकि सभी ने पता है कि गौ माता सड़कों पे किस तरह से बुरे हालात में अपना जीवन यापन कर रही है, और जिस चीज की लड़ाई हमने इस मंच से शुरू की है वो सभी को ज्ञात है कि जिसके लिए इन्होंने वो हमारी को मंजूरी दी थी, आज वो मंजूरी हमारे से छीनने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपके बीच में यही आश्वासन देना चाहूंगा कि जितनी भी सहन खाप हमारे यहाँ पहुंची है, तो मैं आपको यही आश्वासन दूंगा कि हम आपके साथ तन मन धन और दिल की गहराइयों से जुड़े रहेंगे। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके बीच में पहुंचेंगे। किसी भी संस्था को कहीं भी हमारी जरूरत पड़े हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि जब तक हम ये लड़ाई जीत ना जाए, चाहे कितना भी लंबा संघर्ष हमें करना पड़े, हमारे को अगर आदेश देंगे हम उधर कैथल डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू कर देंगे ऐसे धरने। जहाँ भी आप आदेश देंगे हम वहीं पे शुरू करवा देंगे, लेकिन चाहेंगे हम जीत के ही पीछे हटेंगे, जीत से पहले पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं सभी से एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इसका संचालन करने के लिए सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जय हिंद, जय भारत, जय गोमाता।